शायर देखिए तो देखिए यार द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूट बाई सेम नंबर एटम्स जैसे ऑक्सीजन आपको ऐसी पाई जाएगी यूजली ऐसी पाई जाती है बट तो जैसे इनर्ट गैसेज आए आर्गन हीलियम वगैरह ये ऐसे के ऐसे सिर्फ ऐसी वन एटम ही रहता ये बात समझ आई कई बार आपको ऑक्सीजन ऐसे भी पाई जाती है ओ थ्री करके पाई जाती है जैसे आप नाइट्रोजन बोलते हैं एन टू सी एल टू अब नेचर में ये ऐसा ही जो नाइट्रोजन गैस है आपको ऐसे ही मिलेगी नहीं जो में तो ओजोन ओजोन लेयर के बारे में आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा हाँ तो वो ऐसे ओ थ्री ही पाई जाती है नेचर में ऐसे ही पाई जाती है सो द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स ये वो नेचर में कैसे पाई जाती है उसके एग्जाम्पल आपकी किताब में हुए हैं सो so, उसके एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं जैसे आर्गन है हीलियम है ये आपको ऐसे ही मिलाएंगे बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये आपको डायाटॉमिक मिलेंगे दो डाया ये टेट्रा मतलब चार तो फॉस्फोरस आपको ऐसे मिलेगा पी फोर करके मिलेगा उसकी आदत है यार मेरी सिस्टर ने लॉ की के पास दो बिलियां हैं वो दो बिलियां हमेशा इकट्ठी रहती हैं मतलब यहां तक कि सुसु बॉटी भी इकट्ठे करती हैं आप यकीन नहीं करेंगे यकीन नहीं कर पाएंगे आप सो दे गो इन टू दैट सैंड पिट टूगेदर सोते भी इकट्ठे हो चिपके रहते हैं फोटो दिखाऊंगा भी तो जो फॉस्फोरस के जब आप उसको देखेंगे तो वो चार आइटम्स इकट्ठे ही घूमते हैं उसी तरह जो सल्फर है ये पॉलिटॉमिक लिखा हुआ है ये एस सेट करके इलेवंथ क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया जाएगा आपको ना भाई पॉली मतलब मल्टीपल बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसमें poly का मतलब एट है poly का मतलब एट नहीं है ठीक है ना पॉली मतलब मल्टीपल बट मैं आपको बता रहा हूँ वो सल्फर एसीट करके नजर आता है में अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं जैसे सल्फर आठ का झुंड बना के रहता है कोई और कैसा रहता होगा बट जो ये हिट वाले हाँ हाँ हा, इना वे पोलियटॉमिक ही इन अटोमिक बात समझ आई ना यार ये जो है ये हिट है अब कोई छुपा बैठा होगा जो पता नहीं कुछ और कर रहा होगा उसके बारे में बात नहीं हो रही बट ये जो है ये काफी हिट है जैसे P4, फोर ये ऐसे मिलते हैं इलेवंथ में ये आपको कराए भी जाते हैं तो जैसे ये आप देख रहे हैं ना ये एसेट इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आता है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये भाई ऐसे ही बैठा है क्यों बैठा है यार मुझे तो पता नहीं होगा कोई ना कोई इसका कोई अंदर घुसा होगा उसने देखा होगा उसी तरह जो फॉस्फोरस है वो पी फोर ऐसे करके बैठता है तो ओजोन का ऐसा स्ट्रक्चर है डायाटॉमिक ऐसा है तो अब जैसे आप ये जैसे आप अगर आप सोडियम लें तो वो अकेला ही रहता है मतलब एफ ई एफ ई वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ग्रुप बना के रहेगा वो सोडियम 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 चलता रहेगा नहीं सोना बट ये कुछ जो है ये इकट्ठे ही रहते हैं मतलब ओजोन आपको ओ थ्री करके ही मिलेगा ऑक्सीजन के आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसमें ओ टू ही मिलेगा सी एल टू ही मिलेगा नाइट्रोजन गैस ही मिलेगा बेसिकली एक बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है मैं यहीं पर आपको कर देता हूं क्योंकि ये बालक साथ में बैठा हुआ है ये भी थोड़ा परेशान रहेगा देखिए अगर आपको कोई क्लोरीन गैस बोल रहा है तो वो Cl2 ही होगा ये बात समझ आ गई अगर किसी ने क्लोरीन एटम बोला तो वो Cl होगा अब किसी ने अगर क्लोरीन आयन बोला है तो वो सी एल माइनस वन या माइनस होगा क्योंकि क्लोरीन आपको माइनस वन में ही मिलेगी वो किसी का इलेक्ट्रॉन चुरा के बैठी रहती है कोई डाउट है यहाँ तक उसी तरह जब जैसे आपसे सेम इज द केस विफ नाइट्रोजन आल्सो नाइट्रोजन आल्सो जब आपसे नाइट्रोजन गैस की बात होगी ना तो वो एन टू होगा नाइट्रोजन एटम की जब बात होगी तो वो एन होगा मैं देखो इसलिए बोल रहा हूं ये बालक जो है इसलिए परेशान होगा जैसे ये अभी स्टॉकोमेट्री कर रहा है क्या होता है क्या नहीं होता छोड़ो जैसे इस, इसको बोला जाएगा नाइट्रोजन गैस इन अ सिलेंडर ऐसे करके कोई नोमेरिकल चालू होगा यार वो नाइट्रोजन गैस बोल रहा है सिलेंडर में है तो गैस ही है ना एन तो टू ही, ही होगी तो मतलब इसका जो मोलर मास है वो ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल होगा ना अब अगर आप उसको एन करके करेंगे तो फिर बेवकूफ है ना आप। उसी तरह क्लोरीन गैस लेट से बाय चांस न्यूमेरिकल आ गया ओजोन गैस नाइन टेन में कोई पूछता नहीं है बट मैं ऐसे ही आपको बता दिया बट अगर उसने आपको बोला आर्गन गैस या उसने बोला हीलियम गैस तो आपको पता है कि यार वो तो अकेला ही रहता वो किसी के साथ नहीं रहता वो पेयर में ही नहीं रहता ये बात समझ आएगी डैडी बोलते हैं यार वो काली सॉक्स आ एक सॉक्स थोड़ी लेके आओगे दो ले आओगे ना पेयर में ही रहेगा बट पिताजी बोलते हैं हैंकी ले आ तो हैंकी तो एक ही होगा टाई एक ही होगी एग्जोन में आ। तो इसको बोला जाता है अटोमसिटी डाउट है ओ भाई अथर्व होगी तेरी फेशियल एक्सरसाइजेस होगी अब ये देखो तेरा जो पहला ये देख बीच में तेरे आईसीसी के जो टॉपिक है ना ये देख यहाँ लिखा हुआ अटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन भाई समझ आ गया ये टॉपिक है ये बालक का क्लास टेंथ का टॉपिक है ये लिखा है ये अटोमिसिटी लिखा है अटोमिसिटी आपका करा दिया बात समझ आई